सो गाइस, शैडो फाइट के लास्ट एपिसोड को आए 6-7 दिन हो चुके हैं। एंड इन 6-7 दिनों में मैं भाई जेम्स इकट्ठे कर रहा था, रेगुलर एड देख देख के मैं 10-10 जेम्स इकट्ठे कर रहा था। एंड फाइनली एक बार नज़र डालो मेरे जेम्स पे, मेरे पास 125 जेम्स हो चुके हैं और साथ ही साथ मैंने कॉइन्स भी इकट्ठे कर लिए क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो अभी गाइज हम आज प्रिपरेशन करने वाले लिंक्स को हराने का। आज के हमारे वीडियो का मेन गोल होने वाला है लिंक्स को हराना और नए एक्ट को शुरू करना, ठीक है। और उससे पहले गाइज मेरे को कुछ अचीवमेंट्स मिले हैं, उन अचीवमेंट्स को मैं क्लेम कर लेता हूँ। ये देखो, लाइटनिंग स्ट्राइक करके एक मिला है, ये सब टेक कर लेता हूँ। और ये सब मैंने क्लेम इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा भाई वीडियो में आपको दिखा दूँ एक बार। तो ये देखो, मैंने सर्वाइवल कंप्लीट किया था बहुत बार, उसका भी मिला है। बाय द वे गाइज, अभी हम ना ये रुको, अभी गाइज हम परचेस कर सकते हैं ब्लड रिपर क्योंकि मेरे पास 125 प्लस जेम्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ब्लड रिपर परचेस मत करो, आप डैगर से भी उन्हें हरा सकते हो लेकिन जेम्स जो है वो फ्यूचर में काम आएंगे, उन्हें सेव करो। सो डोंट वरी गाइज, मैं फ्यूचर में फिर से जेम्स इकट्ठे कर लूँगा, रेगुलर 10 जेम्स तो मिल ही जाते हैं ना। बाय द वे, यहाँ पे हम अनलॉक करते हैं अपना ब्लड रिपर। एंड गाइज, अगर हम बात करें इसके डैमेज की तो इसका डैमेज डैगर्स के सेम ही है, 105 का। एंड अगर हम इसके एन्चेंटमेंट की बात करें ना, ये देखो ब्लीडिंग एन्चेंटमेंट है जो कि दुश्मन को एक बार इसका एन्चेंटमेंट मिल जाता है ना गाइज, इफेक्ट पड़ जाता है ना, तो 5 सेकेंड्स तक वो 6% अपना हेल्थ लूज करता जाएगा, ठीक है। उसकी HP कम होती जाती, कंटिन्यू कम होती जाएगी 5 सेकेंड्स तक। ये है एन्चेंटमेंट और 230 पावर है इसके एन्चेंटमेंट का, बहुत ही ओवर पावर्ड वेपन है। अभी परचेस करते हैं इसको एंड बाय पे टैप कर देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे फाइनली हमारा अनलॉक हो चुका है ब्लड रिपर। भाई बहुत वेट करना पड़ा मेरे को इस वेपन के लिए, और देख सकते हो अपना बंदा पीछे कैसे इसको पकड़ रहा है, पीछे देख रहे हो गाइज कैसे घुमा रहा है एकदम मस्त, ठीक है, बहुत ही सही वेपन है। ओके सो गाइस, अभी इसके मूव्स को चेक करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके मूव्स को चेक करने के लिए। एक बार सिंगल हिट करता हूँ, ओके सो सिंगल दो बार टैप करता हूँ तो ये दो बार मारता है। एंड ये देखो पीछे से घूम के एक अटैक, और देख रहे हो पीछे वाला अटैक ये है, ठीक है, पीछे कर्जर करके मारते तो ऐसे मारता है। एंड ये वाला एक अटैक, एंड ये देखो गाइस चक्री टाइप, मतलब पूरा चक्कर लगा लेता है बंदा। ओके ओके, बहुत सही है। कैसे किया था फिर से कर एक बार, देखो मेरे को पता नहीं कैसे किया था मैंने वो, ऐसे होता है। देखो गाइज, बस गाइज हमको कर्सर को आगे करना है और अपने जो पंच वाला बटन है ना उसको दबा देना है, तब ये चक्कर वाला अटैक करता है। ये देखो ये चक्कर वाला मूव, ठीक है, गोल गोल घूम के मारता है। एंड बाकी मूव्स भी चेकआउट करते हैं। सो गाइज ये देखो, ये रहे इसके सारे मूव्स। सबसे पहले तो ये देखो, डबल बार अगर हम पंच को दबाते तो ये ऐसे मारता है, और एक बार कर्सर को आगे करके पंच दबाए तो ये ऐसे अटैक करता है, चलो बहुत ही सही है। और ये देखो दो बार मारेंगे तो ये चक्री वाला अटैक होता है, चक्री वाला क्या हो, गोल गोल घूमने वाला जो भी हो। और पीछे करके मारते हैं तो ये थोड़ा नीचे की तरफ, डाउन की तरफ मारता है। और ये अपर हिट, ये देखो ये अपर हिट लोअर हिट ये सब मैंने चेकआउट कर लिया, जितने भी मूव्स थे ना गाइज वो सब चेकआउट कर लिया है। एंड मेरा म्यूज़िक ऑफ है, मैं ऑन कर लेता हूँ, चलो मैंने ऑन कर लिया है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे गाइज मैंने अपने जो ब्लड रिपर के सारे मूव्स चेक कर लिए, अब इसको अपग्रेड करना शुरू करते हैं। मैं ब्लड रिपर आर्मर और सभी को अपग्रेड दूंगा। तो ये देखो मैंने सबसे पहले ब्लड रिपर को अपग्रेड दे दिया, और आर्मर को, और ये हेलमेट को। तो मैंने इसीलिए कॉइन्स कलेक्ट किए, मैं इन तीनों को ही मैक्स करने वाला हूँ, मतलब जितना हो सके उतना अपग्रेड करने वाला हूँ, ठीक है गाइज। एंड गाइज मैंने ब्लड रिपर के मूव्स चेक किए, एंड मेरे को एक बात पता चली कि ये जो ब्लड रिपर है ना, ये शॉर्ट रेंज में उतना खास वर्क नहीं कर पाता गाइज, ठीक है, मतलब अच्छा वेपन है बट लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज पे सही है, बंदा एकदम अगर क्लोज होना नहीं मार पाता है, ठीक है। देखो ये वाला जो डमी है ये मेरे बहुत क्लोज रहता है तब मैं इसको नहीं मार पाता हूँ। खैर गाइज अभी अपने वेपन आर्मर और हेलमेट को अपग्रेड होने देते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ ही सेकेंड्स में ये अपना ब्लड रिपर जो है ये लेवल 1 का हो जाएगा। तो ये देखो 3, 2 एंड 1 गाइज, यहाँ पे अपना ब्लड रिपर लेवल 1 का हो चुका है। ये देखो आर्मर भी अपग्रेड हो गया, और साथ ही साथ जो अपना हेलमेट था वो भी अपग्रेड हो चुका है। तो अब भाई इनको अपग्रेड 2 करना है, मतलब लेवल 2 का अपग्रेड इनका देना है। ये देखो ये मैं अपग्रेड पे टैप कर देता हूँ, ये ब्लड रिपर को अपग्रेड पे डाल दिया, और आर्मर को भी डाल देते हैं, एंड अपना हेलमेट भी डाल देते हैं। सो अब भाई इनका लेवल 2 अपग्रेड शुरू होता है। सो चलो फिर से वेट करते हैं, बस 5 सेकेंड और गाइज, फिर अपना लेवल 2 का अपग्रेड भी कंप्लीट होने वाला है। और ये देखो गाइज यहाँ पे लेवल 2 का अपग्रेड कंप्लीट हो गया ब्लड रिपर का, और ये अपने आर्मर का भी हो गया, और इन दी एंड अपने हेलमेट का भी अपग्रेड कंप्लीट हो गया। अब गाइज दो दो लेवल के तो हो चुके हैं, अब थर्ड लेवल का अपग्रेड शुरू करते हैं। ये देखो 1200 कॉइन ले रहा है अब, और आर्मर ले रहा है 1600 कॉइन।
और हेलमेट ले रहा है 930, ये कम ले रहा है थोड़ा। अब लेवल 3 का अपग्रेड शुरू हुआ है, फिर से वेट करते हैं। एंड गाइस ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मान लो कोई बंदा अपना देख रहा है वीडियो एंड वो जानना चाहता है कि लास्ट में सब अपग्रेड करने में कितना कॉइन लगता है, तो इसीलिए मैं ये पूरा दिखा रहा हूँ कि इन सभी को अपग्रेड करने में कितना टाइम लग रहा है या फिर कितने कॉइन्स लग रहे हैं, वरना मैं तो भाई स्किप कर देता ना डायरेक्ट ये पार्ट। वैसे वेट करते हैं, अभी अपना आर्मर वेपन सब फिर से अपग्रेड होने वाले हैं, बस कुछ सेकंड्स और गाइस। एंड ये देखो 3, 2 एंड 1, ये लो फाइनली अपना लेवल 3 का अपग्रेड भी कंप्लीट होता है, आर्मर हेलमेट और सभी का, ठीक है तीनों लेवल 3 का अपग्रेड हो चुका है। अब इनको देना है अपग्रेड 4, मतलब चौथे लेवल का अपग्रेड देना शुरू करना है इनको। ब्लड रिपर 1900 कॉइंस मांग रहा है और 3 मिनट का टाइम ले रहा है गाइज, अब 1 मिनट बढ़ गया। और आर्मर ले रहा है 2300 का और इन दी एंड हेलमेट ले रहा है 1400 का। चलो ठीक है, इस बार थोड़ा ज़्यादा कॉइन्स लिए ये लोग। एंड अब 3-3 मिनट का वेट करना है, तो चलो फिर से वेट करने पे लग जाता हूँ मैं। A few moments later. गाइज बस 5 सेकेंड और वेट करना है हमको और ये हो जाएगा लेवल 4 का, ठीक है। सो ये देखो हमारा ब्लड ट्रिपल लेवल 4 का हो चुका है और आर्मर भी हो गया लेवल 4 का एंड हेलमेट भी लेवल 4 का अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है। और वेट अ मिनट, मैं इनको और अपग्रेड नहीं कर सकता, मतलब लास्ट वाला लेवल 4 ही था। अच्छा, और अपग्रेड नहीं कर सकता मैं गाइस, जो था इतना ही था। ब्लड रिपर का डैमेज दे सकते हो, 129 का डैमेज हो चुका है इसका और बाकी हेलमेट और आर्मर आप लोग देख ही सकते हो। एंड अब मैं इनको और अपग्रेड नहीं कर सकता, यही था इनका मैक्सिमम, ठीक है। मैक्स हो चुके हैं अपने आर्मर और वेपन्स। एंड गाइस लिंक्स को हराने से पहले मैं सोचा क्यों ना टूर्नामेंट भी कंप्लीट कर दिया जाए इस वाले स्टेज का। सो चलो गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, रोज नाम का बंदा आया है, पहली बार मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लड रिपर, देखते कैसा होगा। तो मैं नीचे वाला अटैक करने का सोच रहा हूँ, पहले लात मारेंगे इसको नीचे गिराते। तो देखो मैंने इसको लात मारा, कुछ खास असर नहीं पड़ा, ये मार रहा है मुझे भाई, वेट मारे जा रहा है ये। देखो 2 हिट कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है भाई, रुक जाओ वेट, इसने गिरा दिया, फिर मार रहा है अरे भाई रुक जाओ, फिर से मारते हैं इसको, लात मारूंगा, वेट थोड़ा पीछे चलते हैं। सो ये देखो भाई एक ओपी सा हिट, ये देखो ये था ब्लड रिपर का अपर हिट। एंड गाइस बता दूं, ब्लड रिपर सिर्फ मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज में काम करता है, शॉर्ट रेंज में इसको डिसएडवांटेज सा हो जाता है। बाय द वे ये देखो मैंने थोड़ा पीछे लिया, एंड रुक जाओ इसको मारने की कोशिश, अरे यार इसने फर्स्ट स्ट्राइक मार दिया। ये देखो गाइस ये चक्री वाला अटैक और इसका खेल खत्म होने वाला है। लोग भाई गया, इंचैंटमेंट देखा गाइस आपने जब शुरू हुआ था उसका ब्लड कैसे निकल रहा था, वो अपने आप मर गया इंचैंटमेंट जैसे ही शुरू हुआ। एंड भाई ओपी है यार ये ब्लड रिपर, मज़ा आ गया कतई। सो गाइस एक काम करते हैं, इस एक्ट के टूर्नामेंट को पूरा खत्म करते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पे मैं फिर से फाइट पे टाइप कर देता हूँ और स्टेज 21 खेलते हैं। यहाँ पे वल्चर नाम का बंदा आया है और फिर से गाइस सेकंड टाइम यूज़ करने जा रहा हूँ ब्लड रिपर, देखते हैं इस बार क्या होता है। ओके तो थोड़ा रेंज बनाए रखना है, बस इतना ध्यान रखना है हमको। और ये देखो चक्री वाला अटैक, कुछ नहीं हुआ, फिर से एक बार गोल गोल घूम के इस, ये भाई ब्लॉक कर रहा है, कोई बात नहीं इसने हमको गिरा दिया, कोई बात नहीं गाइस थोड़ा वेट करो, थोड़ा सबर करना है, हम ब्लड रिपर यूज़र हैं, थोड़ा वेट करेंगे फिर मारेंगे। देखो हमको मारे जा रहा है ये, कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि आर्मर बहुत स्ट्रांग है अपना। अब बारी है इसको मारने की, ये देखो उछल के एक अटैक, अपर हिट, इंचैंटमेंट लगा इसको, ज़रा देखो उसकी एचपी कैसे कम हो रही है। ख़त्म भाई, बंदे का खेल ख़त्म, कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो गए हम लोग। ओके तो सेकेंड राउंड इस बार भी इसको ओपी तरीके से हराएंगे। तो पीछे हटो थोड़ा, अरे यार तू पास मत आया यार, मेरे को रेंज बनाने मेंटेन करने दे। ओके रुक जाओ, मारने की कोशिश, ये बहुत क्लोज आ चुका है। और ये देखो गाइस फिर से वो गोल गोल घूमने वाला अटैक लगा इसको और परफेक्ट के साथ जीत चुके हैं हम लोग, बहुत स्मूथली जीत गए यार। ये इंचैंटमेंट बड़ा तगड़ा है और ये ब्लड रिपर बहुत तगड़ा है। एंड गाइज अभी हम रुकेंगे नहीं जब तक पूरा टूर्नामेंट खत्म नहीं कर देते, फिर से फाइट दबाते। ये देखो वेलवेट नाम की बंदी आई है, आपको याद होगा इसने पिछली बार हमको बहुत परेशान किया था, अब बदला लेते हैं। रुक जा भाई, तेरे को अभी बताता हूँ मैं, ब्लड रिपर लेके आया हूँ, ऐसे थोड़ी आर्मर मार्मर सब मैक्स करके आया हूँ, अभी इसकी बैंड बजाते हैं। तो मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, वेट यार ये पूरी क्लोज में है। और ये देखो एक हिट लगा गाइज, देखो इंचैंटमेंट का इफेक्ट पड़ा है उसको और उसकी एचपी कैसे कम हो रही है धीरे धीरे करके, देख रहे हो उसकी एचपी धीरे धीरे करके कम हो रही है, अब नहीं हो रही है क्योंकि 5 सेकंड तक ही इफेक्ट रहता है। एंड ये मेरे को मारे जा रही है, खैर मार लेने दो, कितना ही मारेगी, ये देखो जीत गए हम, ठीक है। तो ब्लड रिपर में क्या ना थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और रेंज मेंटेन करके रखो, बस मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस इतना है। सो गाइस मैंने इसको 2 हिट मारे, नहीं लगा, लेकिन ये रहा अपना भाई गोल गोल घूमने वाला अटैक, कतई खतरनाक है। एंड ये गोल गोल घूमने वाला अटैक ही एकदम से इफेक्ट दे देता है इंचैंटमेंट का। और ये देखो मैं लात से ख़त्म करने का ट्राई कर रहा हूँ इसको, और यार डिस्टेंस मेंटेन करने दे ही नहीं रहे,
खैर जो भी हो गाइस, मैंने लास्ट में एक ब्लड ट्रिपल के हिट से इसका खेल खत्म कर दिया, परफेक्ट के साथ जीत गए हम लोग। अब जल्दी से एक और टूर्नामेंट शुरू करते हैं। तो अब भाई एक और फाइट पे टाइप कर देता हूँ। ये वाला होने वाला है अपना स्टेज 23। एंड गाइज यहाँ पे हमारा बैटल शुरू हो चुका है और ये रॉज फिर से आ गया। भाई तेरे को फिर से मार खाना है क्या? ब्लड रिपर का स्वाद एक बार में मन नहीं भरा क्या? रुको रुको फिर से मारते हैं इसको, स्वाद चखाते हैं अपने वेपन का। पीछे हटता हूँ मैं, पहले गाइज मैं रेंज मेंटेन कर लेता हूँ, थोड़ा और पीछे। और ये लो चक्री वाला अटैक मारा मैंने इसको गाइज, इसको इफेक्ट मिल चुका है। और ये लो दो तीन लात, अब उठ जाओ। देखो शॉर्ट रेंज में नहीं मार पा रहा हूँ मैं इसे, थोड़ा मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज होना चाहिए। और परफेक्ट के साथ हम लोग जीत चुके हैं बड़ी आसानी से यार, टच भी नहीं कर पाया वो हमें। और यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। चलो फिर से थोड़ा रेंज मेंटेन करते हैं। और नहीं लगा, नहीं लगा, कोई ना, रुक जाओ। ये देखो गाइस डायरेक्ट हेड हिट, दो दो हिट लगे उसको। और ये देखो एक और हिट, थोड़ा ब्लॉक कर लिया उसने, बट कोई बात नहीं। अब लास्ट हिट के, अरे भाई ये तो ब्लीडिंग इफेक्ट से ही मर गया, लॉल। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक और टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अब बारी है गाइस फाइनल टूर्नामेंट की, मतलब स्टेज 24। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, फिंड नाम का बंदा आया है, अब इसको मारने की बारी है। तो चलो एक और बार ब्लड रिपर के साथ हम आ गए एंड सेम वही करेंगे, रेंज मेंटेन। और ये लो एक हिट उसको लगा। और ये चक्री वाला अटैक, ब्लड का इफेक्ट दे दिया मैंने इसको, ब्लीडिंग वाला। और भाई HP देखो यार मेरे को हंसी आ रही है अपने ओपोनेंट्स में। चलो कोई ना, इनको ख़त्म करते हैं, ये मेरे को डैमेज दे रहा है थोड़ा बहुत। कोई ना भाई, रुक तू, रुक जाओ गाइस इसको मारते हैं एंड पास आ तू। ये लो ये अपना चक्री वाला अटैक भी खतरनाक है एंड हम लोग जीत गए एक राउंड। एक और राउंड गाइस, अब एक और बार इसको हराते हैं एंड इसके बाद अपना टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा इस एक्ट का। तो मैं अपर वाला अटैक मारने का सोच रहा हूँ, मैंने मारा बट उसने ब्लॉक कर लिया। कोई ना, ये अटैक्स ब्लॉक कर रहा है मेरे, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। रुक जाओ इसको नीचे से, अरे भाई मार रहा है गाइज। यहाँ पे जो ये ओपोनेंट है ये मेरे कुछ ज़्यादा क्लोज है इसलिए मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा रेंज मेंटेन हुआ। ये देखो एक हिट दिया मैंने उसको, रेंज बस मेंटेन रहना तब मैं इसको आराम से मार पाऊँ। रुक जाओ, ये देखो एक हिट दो हिट, ये लो खेल ख़त्म। बस थोड़े से रेंज की मेरे को ज़रूरत थी और मैं जीत गया। यहाँ पे कॉन्टेंडर करके एक अचीवमेंट भी हमको मिल गया। एंड गाइज टूर्नामेंट का 24th मतलब लास्ट स्टेज हमने कंप्लीट कर दिया इस वाले एक्ट का, ठीक है। तो इसी के साथ अपना टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है और अब जानते हो ना क्या करना है हमको। यस गाइज, जबकि मैंने यहाँ पे टूर्नामेंट कंप्लीट कर लिया है और अपने वेपन्स को मैक्स कर लिया है, अब बारी है हीरो रीबॉर्न एक्ट के मेन बॉस लिंक्स को हराने का। इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, अब हम इससे फाइट करेंगे। तो भाई बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारे टिप्स दिए, उन सभी को याद रखूंगा। ये क्या है भाई, मेरे पास एनर्जी ही नहीं है, दो मिनट को, दो मिनट बस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज फाइनली यहाँ पे मेरे पास एक एनर्जी आ चुका है एंड अब चलो यार इतना काफ़ी है लिंक से फाइट लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो लिंक्स ने अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया था, अब जस्ट हमें फ़ाइट पे डबाना है। एंड आप लोगों ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं मेरे को, वो सभी मैं याद रखूँगा फ़ाइट के दौरान, और देखते हैं इस फाइट में क्या होता है। और ये अपना लास्ट बॉस है, मैंने फ़ाइट पे दबा दिया है। यू थिंक डिफीटिंग माय गार्ड्स प्रूव्स यू योर स्ट्रेंथ, दे वेयर वीकलिंग स्पॉन्स इजिली फॉरगेटेन एंड रिप्लेस्ड। तो ये कह रहा है कि मैं इनके गार्ड्स को हराने से स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, बट द ऑर्डर हैज नीड ऑफ वन विथ योर स्किल योर ड्राइव, यू मस्ट चूज ज्वाइन अस और सफर। अरे भाई गाइज कह रहा है कि या तो मैं इसको ज्वाइन करूँ या फिर हमको ये तड़पाएगा। रुक भाई तेरे को मैं तड़पाता हूँ, फाइट पे टाइप करते। यहाँ पे बहुत बोल बच्चन हो गया इसका। सो गाइज यहाँ पे मैं हम फाइट करने वाले हैं हीरो रिबॉर्न एक्ट के मेन बॉस लिंक्स के साथ। सो चलो यहाँ पे फाइट शुरू हो चुका है मेरा, भाई हार्ट बीट बढ़ गया है, ठीक है। ये मेन बॉस है, देखते हैं क्या होता है। ये रहा अपना लिंक्स, थोड़ा मारते हैं इसको। और ये देखो गाइज शुरुआत में मैंने कॉम्बो 3 मार दिया, ब्लड वाला इफेक्ट भी मिल गया। ये लो एक किक भी दिया मैंने इसको, भाई कैसे कूद रहा है, रुक जा तेरे को नहीं छोड़ूगा भाई पंजे वाले, इधर आ। सो ये देखो एक और हिट और परफेक्ट के साथ, पहला राउंड परफेक्ट के साथ जीत गया मैं। ओके दूसरा राउंड, चलो पहले राउंड में ये छू तक नहीं पाया मेरे को, अब दूसरा राउंड थोड़ा रेंज मेंटेन करते हैं। मैं पीछे जा रहा हूँ एंड ये गायब भी होता है यार, मेरे को मेरे फैंस ने बताया था, याद रखूंगा। और ये क्या फेंक रहा है, लॉन्ग रेंज वेपन्स, गायब हो गया, मेरे को पता था ये गायब होगा। तो फैंस ने कहा था कि गायब होने के टाइम लगातार हिट करना है बस मुझे। रुक जाओ ये मार रहा है, तो आप लोगों ने कहा था लगातार हिट करना है, मैं मारे जा रहा हूँ। ओके वेट, कहाँ है यार, दिख नहीं रहा है मेरे को बिल्कुल भी, मैं मारे जा रहा हूँ अंधाधुन। हाँ दिखा दिखा, एक तो लगा इसको, रुक जा तो कहाँ जाएगा भाई बच के। मेरे पास ऐसा वेपन है जो पूरे के पूरे फील्ड को कवर कर देता है। तो गाइस ये हमको मार रहा है, कॉम्बो 6 मारा है इसने, रुक जा फिर से गायब हो गया। रुको फिर मारते हैं इसको, कहाँ गया दिख नहीं रहा है। तो गाइस देखो खत्म
खत्म यार, सो इजी मैन, सेकेंड राउंड भी जीत गया मैं। तो गायब होने पे बस लगातार मारना है, और हम इसको ब्लड वाला इफेक्ट तो दे ही रहे थे। अब थर्ड राउंड फिर से मारने की कोशिश, रुक जाओ, एक लात मारा, ये लो कॉम्बो 4, और रुक जाओ, वेट अ मिनट, इसको मैंने कोने में घुसा दिया है। सो अब मैं फिर से मारने वाला हूँ अपना चक्री वाला अटैक, और ये लो भाई HP देखो उसकी कितनी जल्दी जल्दी कम हो रही है, ये लो भाई ख़त्म। सीरियसली ये मेन बॉस था और हम जीत गए, और हमको अचीवमेंट मिल गया नॉट अ चांस, और एक और अचीवमेंट निंजा हंटर। सो गाइज यहाँ पे हमने लिंक्स को हरा दिया है, एंड ये तो भाई क्या था यार, ये ना ही मेरे सामने टिक पाया और ना ही इसने मेरी आधी HP तक कम कर पाई, ठीक है, ये मेरी आधी HP तक कम नहीं कर पाया और इसको मैंने हरा भी दिया। जलवा है हमारा। और यहाँ पे भाई ये वाला एक्ट जो है कंप्लीट होता है, लिंक्स को हरा दिया है हमने, और प्राइस क्या मिला है देखो, 3 जेम्स, वाह हम तो धन्य हो गए 3 जेम्स से। खैर गाइस यहाँ पे ख़त्म हुआ। लिंक्स कुछ कह रहा है, नो इट्स इट कैन नॉट बी ऑल द ग्लोरी ऑफ द ऑर्डर विथ इन योर ग्रैप्स बट यू ओनली सीक द सील। ओके ये हमको सील देने वाला है कोई, फाइन यू हैव वॉन योर प्रीशियस ट्रिंकर बी गॉन फ्रॉम माई साइट बट बी वॉन्ड आई विल नॉट फॉरगेट वाट यू हैव डन। तो कह रहा है कि मेरी नज़रों से दूर चले जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मत कर तू माफ़, मेरे को तेरी माफ़ी चाहिए भी नहीं। सो यहाँ पर हमको एक ब्लू सील मिल रहा है, अ मिस्टीरियस ब्लू सील वॉन फ्रॉम लिंक्स इज डेडली कॉम्बैक्ट वन ऑफ 6 पार्ट्स ऑफ द की टू गेट ऑफ शेडोज। तो गेट ऑफ शेडोज में 6 की लगेगा, उसमें से हमको एक मिल चुका है जिसका नाम है ब्लू सील। सेंसेई कुछ कह रहे हैं, ओ द फर्स्ट सील, वेल डन शेडो, ओनली 5 सील लेफ्ट, कम वी मस्ट हरी। अच्छा तो कहीं जाना है क्या, 5 सील और बचे ऐसा कह रहे हैं ये सेंसेई। चलो ठीक है, मोर पे दबाते हैं। माय अप्रेंटिस इज मिसिंग, आई एम वॉरिड फॉर हिज सेफ्टी, ही लेफ्ट टू ट्राई द न्यू स्कूल इन द नेक्स्ट टाउन बट आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम हिम सिंस। अच्छा तो इनका कोई वो था गाइस, स्टूडेंट था जो किसी और सिटी में गया था लड़ने के लिए, मतलब सीखने के लिए, लेकिन कुछ भी उसका अता पता नहीं है। मैं कुछ कह रही है, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ एक्साइटमेंट एडवेंचर, वाट आर वी स्टैंडिंग अराउंड फॉर, लेट्स गो। ओके सो यहाँ पे हम एक और टाउन में आ चुके हैं, Act 2 शुरू हो चुका है, द सीक्रेट पाथ। ओके तो ये अपना Act 2 यहाँ पे शुरू होता है गाइज। भाई मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है पता नहीं क्यों। गाइज यहाँ पे सेंसेई फिर से कुछ कह रहे हैं, दिस टाउन वॉज नोन फॉर इट्स फाइटिंग स्कूल्स येट इट लाइज इन रुइंस, सो मच डिस्ट्रक्शन, वाट कुड हैव डन दिस। अच्छा तो ये टाउन गाइज अपने फाइटिंग स्किल्स स्कूल्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खंडर बन चुका है, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है इधर, पता नहीं क्या हुआ है। अभी हम पता करते हैं कि आखिर इस टाउन में हो क्या रहा है। गाइज मैं भी कुछ कह रही है, लेट्स फाइंड समवन हु कैन टेल अस व्हाट हैपेंड, देयर इज अ यंग मैन ओवर देयर, मे बी ही कैन हेल्प। अच्छा तो ये कह रही है चलो किसी को ढूंढते हैं जो हमारी मदद कर सके जानने में कि यहाँ आखिर इतना डिस्ट्रक्शन या ये खंडर ये सब हो क्या रहा है इधर, और इसे कोई यंग मैन दिखाए और ये इससे उससे हेल्प मांगने जा रही है। चलो देखते हैं वो यंग मैन कौन है। अब गाइस हमारे जो गुरु जी है वो उस यंग मैन से पूछ रहे हैं, टेल अस व्हाट हैपनिंग हियर। ओके तो ये रहा वो यंग मैन, ड्रैगन नाम है इसका, यू आर हियर फॉर हैरमिट्स कॉम्पिटिशन नो डाउट, स्टैंड इन लाइन थ्रू यू विल नेवर गेट अ चांस टू ट्राई। अच्छा तो कोई हैरमिट का कॉम्पिटिशन हो रहा है और ये हमको लाइन में खड़े होने के कह रहा है। एंड गाइज यहाँ पे हमारा नया एक्ट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सीक्रेट पाथ, और इधर भी टूर्नामेंट्स हो गए, सर्वाइवल हो गए, और ये क्या है, अरे हटाओ यार इसको, मेरे को बोलने दो, ये क्या दिखा रहे हो, नहीं 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 चाहिए मेरे को लिंक्स के क्लॉस, खासकर पैसे तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। एंड यहाँ पे हमारा लेवल 7 हो चुका है, एंड आप लोग देख सकते हो गाइज लेवल अप भी हो गया और नया चैप्टर भी खुल गया, मतलब नया एक्ट, ठीक है। सो गाइज आज हमने बहुत कुछ किया, हमने लिंक्स को हराया, नया एक्ट खोला और लेवल अप भी हुआ, नए वेपन्स खोले, मज़ा आ गया आज के इस वाले एपिसोड में, मुझे बड़ा मज़ा आया, आपको मज़ा आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड यही था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, एंड चैनल मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज इस सीरीज़ के अभी और भी एपिसोड्स आने वाले। सो आज के इस वाले एपिसोड में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।